मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया, और सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था, पर वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया। उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है आज सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। हालात शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत पे मुस्कुरा रहा है। इस दुनिया में लाखों ऐसे बूढ़े हैं जो या तो अकेले हैं या बेमुरव्वत बेगैरत औलादों के बाप हैं, जो भूख से तड़प तड़प के मर जाते हैं मगर उनके मुंह में पानी डालने वाला कोई नहीं होता है। अनगिनत अपाहिज हैं जिनकी ईमानदारी करने वाला कोई नहीं है। करोड़ों ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर गरीबी और मुफलिसी के मजबूत हाथ उनके हाथों से वो किताबें छीन लेती है, वो पढ़ नहीं सकती। ऐसी खुदकुशी करने का क्या मतलब है? अरे जिंदगी तो खुदा की नेमत है, जो नहीं समझा उसकी जिंदगी में लानत है। अरे मुझे देखो ये कैसी हालत है मेरी, न पेट में रोटी है न जेब में ठेला है, कपड़ों को देखो हर 4 इंच पे ठेला लगा हुआ है, फिर भी जी रहा हूँ। लानत है तुम्हारी जिंदगी पर। क्यों? अगर मेरा ऐसा फटा हाल होता तो मैं तो पैदा होते ही फांसी लगा लेता। तुम्हारा हाल तो इस वक्त मुझसे 1000 गुना बेहतर है। अरे साला इस संसार में कौन भिखारी नहीं है, सब भिखारी है। हम पेट के भूखे हैं, रोटी के पीछे भागते हैं इसलिए रोटी की भिखारी है। ये साले दौलत के चाहने वाले दौलत के भूखे हैं इसलिए दौलत के पीछे भागते हैं, दौलत के भिखारी है। ये कुर्सी को चाहने वाले वोटों के पीछे भागते हैं क्योंकि ये वोटों के भिखारी है। अपने मन से देखो तो संसार में हर इंसान हर घड़ी किसी न किसी चीज के पीछे भागता रहता है। हर इंसान किसी न किसी चीज का भिखारी है। उसका कितना है कि कोई भिखारी जिसकी तकदीर अच्छी होती है वो अच्छाई बटोर लेता है और जिसकी तकदीर खराब होती है वो बुराई बटोर लेता है। क्या माँ गाली तो गरम गरम दे रही हो, चावल बासी दे रही हो, ऐसा चावल चूहे नहीं खाते, तू मेरे खिला रही हो। अरे चाचा तू कहीं का महाराजा नहीं, भिखारी है भिखारी। तो क्या हुआ, इस संसार को चलाने के लिए राजा और भिखारी दोनों जरूरी हैं। राजा टैक्स लेता है तो भिखारी भीख लेता है, राजा महल में राज करता है तो भिखारी तुम्हारे दरवाजे पे आके फरियाद करता है, राजा इंसाफ करता है तो भिखारी बासीखाना साफ करता है। तुम्हारे दरवाजे पे आके अगर मैं भीख मांगता हूँ ना तो तुम मेरे पे एहसान नहीं करती हो, मैं एहसान करता हूँ मालूम। एक अकेला दुख है जो चेहरे बदल बदल कर इंसान के सीने से चिमटा हुआ रहना चाहता है, मगर इंसान इतना बेवकूफ है कि उस वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता रहता है। अरे सुख तो बेवफा तवायफ की तरह है, जहां जिसके पास कल उसके पास। अगर इंसान दुख से दोस्ती कर ले तो फिर जिंदगी में कभी उसको सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। तो मोहब्बत से मीठा जरूर है मगर मोहब्बत के फलसफे को नहीं समझा तू, बहुत ऊंचा फलसफा है। और मैं यहाँ तेरी शरारतों को रबू करने आया था, तेरी बदतमीजों को रबू नहीं कर सकता मैं, बचा रहा हूँ। अरे क्या मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अरे जब मैंने अपने दिल में रहने वालों के जाने का अफसोस नहीं किया तो घर से जाने वालों की परवाह क्या करूँगा। ये मेरा इस्तीफा है। इस्तीफा? हम जैसे महान लोग जब आपकी मामूली सी नौकरी करते ना तो आपका हम पर नहीं बल्कि हमारा आपकी नौकरी पर एहसान होता है। आप इतनी सी तनख्वाह देते हैं, हम आपकी ऑफिस को इतनी सारी इज्जत देते हैं। फैसला सुनाएंगे, मेरे कानों को सुनने की आदत नहीं है, मेरी जबान को सुनाने की आदत है, समझे। और एक बात और, आप मुझको नौकरी से अलग नहीं कर रहे हैं बल्कि मैं आपको मालिक बने से अलग कर रहा हूँ। इस फकीर की एक बात याद रखना, जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है ना मौत से खेलो, सुख में हंसते हो तो दुख में कहकहे लगाओ, जिंदगी का अंदाज बदल जाएगा। बेटे जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। सुख को ठोकर मार, दुख को अपना। अरे सुख तो बेवफा है, चंद दिनों के लिए आता है चला जाता है, मगर दुख दुख तो अपना साथी है, अपने साथ रहता। ये अनाथ आश्रम सब नाम के होते हैं, असल में मुसीबत आश्रम होते हैं। अनाथ आश्रम में जो बेचारे बच्चे पलते हैं वो भूख प्यास गरीबी जुल्म मार सहते सहते बड़े होते हैं और जब बाहर निकलते हैं तो आधी मुजरिम बन चुके होते हैं। साहब मैं तो कहता हूँ रुपये में 12 जो मुजरिम है वो सब अनाथ आश्रम की पैदावार है। इंस्पेक्टर साहब आप अपनी स्वर्दी को हटाकर अपने खूबसूरत से दिल से सवाल कीजिए कि ये मासूम ये छोटा फूल सा मासूम अनाथ आश्रम में पढ़ने के लायक है? क्या हम लोगों ने हिंदुस्तान की आजादी में खून इसलिए बहाया था
कि भारत के भविष्य का बोझ उठाने वाले छोटे से मासूम कांधे अनाथ आश्रम में पलक बाहर होंगे। कसूर तुम्हारा नहीं है बेटे, मेरा है। मैंने कांटों को इज्जत की जमीन पर बोकर अपने खून से सींचने की कोशिश की थी, पर मैं भूल गया था कि कांटे सिर्फ जख्म दे सकते हैं, खुशबू नहीं दे सकते। जीते रहो बेटा। यहां किसके हुक्म से आए? हम अपने हुक्म के खुद मालिक हैं। हम अपने हुक्म से ही अंदर आए थे और अपने हुक्म से बाहर चले जाएंगे। तुमसे अच्छी तरह मिल लेने के बाद तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बैठे हो। हमें मालूम है, इसीलिए तो जूते तुम्हारे मुंह के सामने रखे हैं। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह, भूल कैसे गए? हम आज भी ब्रिगेडियर हैं, कल भी इसलिए देवी जी, इस औंधी दुनिया को सीधा देखना हो तो सर के बल खड़ा होना। या ये समझ लीजिए कि दुनिया को हंसाने खुश करने के लिए मैंने अपने मुंह पे ये नकली चेहरा लगा रखा है। और सच पूछिए, दिल का दर्द और आंखों के आंसू छुपाने के लिए इस बेवकूफ मस्करे का फेस बड़े काम की। नमस्ते कलेक्टर साहब, मैं शिकारपुर का चौधरी हूँ। आज आपने हमारे जिले की कलेक्ट्री का चार्ज लिया है, इसलिए मैं आपको बधाई देने आया हूँ। आप बाहर जाइए और फिर हमारी इजाजत लेकर अंदर आइए। आज तक मुझे किसी से इजाजत लेकर मिलने की जरूरत नहीं हुई कलेक्टर साहब। मैं तो चीफ मिनिस्टर के कमरे में भी यूं ही दाखिल हो जाता हूँ। ये चीफ मिनिस्टर का कमरा नहीं है, ये कलेक्टर का ऑफिस है। आप बाहर जाइए और अपने नाम और काम की चिट भेजिए। तुम जैसे कमीने औलाद को मार डालना बेहतर होगा। देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है। प्रलयनाथ, तुम बीच में मत बोलो। जीवनलाल, इस कमीने ने आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, मैं इसे जान से मारू। बात क्या है, क्या किया इसने? बेटे रसिक, बताओ क्या बात है। अंकल मैं, हाँ हाँ बोलो, डरो मत। अंकल मैं एक लड़के से मोहब्बत करते हो? यही ना? हाँ। तुम भी कमाल करते हो प्रलयनाथ, बेटे की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसे मारने पर तोलाए। बात यह नहीं है जीवनलाल, सच तो यह है कि इसकी मोहब्बत के चक्कर में वो लड़की इसके बच्चे की माँ बनने वाली। ओफो, तो इसमें कौन सी नई बात है, करवा दो शादी। और अगर लड़की अपने बराबर की नहीं है तो करवा दो एबॉर्शन। मगर जीवन लाल बात ये अरे है। यार ऐसे मामले में बात बात कुछ नहीं होती, सीधी सी बात है। अगर वो लड़की नहीं मानती तो पैसे वैसे देकर अपनी जान छुड़वा लो, और अगर फिर भी नहीं मानती तो तुम्हारे लिए किसी की जान लेना कौन सी नई बात है। प्रलयनाथ, तुम तो खामखा उस लड़की के लिए अपने बेटे की जान के पीछे पड़े हो। दरअसल बात यह है जीवनलाल कि वो लड़की तुम्हारी बेटी राधा है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।